गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानेंगे। पर्यायवाची शब्द जिन्हें हम इंग्लिश में सिनोनिम्स नाम से जानते हैं। सबसे पहले पर्यायवाची शब्द की परिभाषा के बारे में जानेंगे। पर्यायवाची शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पर्याय और वाची। पर्याय का अर्थ होता है समान और वाची का अर्थ होता है प्रकट करने वाले या बोले जाने वाले। तो समान अर्थ प्रकट करने वाले या बोले जाने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। परिभाषा के अकॉर्डिंग समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे भूमि, धरा, धरती, भू, वसुंधरा, ये सब किसके पर्यायवाची है? धरती, पृथ्वी के पर्यायवाची है ये सब। नीरज, पंकज, सरोज, राजीव, जलद, ये सब किसके पर्यायवाची है? कमल के, यानी कि कमल के समान अर्थ प्रकट करने वाले शब्द है ये। रवि, भानु, दिनेश, दिनकर, दिवाकर, ये सब किसके पर्यायवाची है? सूरज के। पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते समय हमें कुछ सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। पर्यायवाची शब्दों का समान अर्थ होते हुए भी वो उनके प्रयोग हमेशा अलग अलग रूपों में किए जाते हैं, एक समान प्रयोग नहीं होता उनका। पर्यायवाची शब्द अपने आप में इतने पूर्ण होते हैं कि उनका हर स्थिति या हर विषय पर उनका प्रयोग करना, समान प्रयोग करना अच्छा नहीं लगता है। तो पर्यायवाची प्रत्येक शब्द की अपनी महत्ता विषय और स्थिति के अनुसार होती है, यानी हमेशा हर एक शब्द का प्रयोग उसकी स्थिति, समय और विषय के अनुसार किया जाता है। जैसे जल के पर्याय है नीर, पानी, वारी, सलील आदि। तो हम यह पानी, जैसे वाक्य है आसमान से पानी बरस रहा है, तो यहाँ हम पानी की जगह वारी, सलील या जल नहीं लिख सकते। आसमान से सलील बरस रहा है या आसमान से वारी बरस रहा है, ये प्रयोग यहाँ पे विषय के अनुसार उपयुक्त नहीं लगता है। तो जो शब्द विषय और स्थिति के अनुसार उपयुक्त होता है, हम उसी पर्यायवाची शब्द को उस वाक्य में प्रयोग करते हैं। आइए कुछ पर्यायवाची शब्दों के बारे में जानते हैं। जैसे अमृत, अमृत के पर्यायवाची क्या है? सुधा, सोम, अमीय और पीयूष। आंख, आंख के पर्यायवाची है नेत्र, नयन, लोचन, चक्षु, अक्षी आदि। ईश्वर के पर्यायवाची है प्रभु, भगवान, प्रभु, भगवान, जगदीश, परमेश्वर और परमात्मा। अंग के पर्यायवाची है तन, शरीर, काया, देह और घात, यानी कि अंग या शरीर को हम इतने नामों से जानते हैं। वृक्ष, पेड़, पादप, तरु, विटप और द्रुम। मित्र के पर्यायवाची शब्द है दोस्त, सखा, साथी, सहचर, सुहृदय। इस प्रकार अनेक शब्दों के पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो वो आपको मैं गृह कार्य में भेजूंगी, जिन्हें आपको अपनी नोटबुक में हर एक शब्द के, जो मैं आपको शब्द दूंगी, उनके आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे होम एंड स्टे सेफ।